दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अकाउंटिंग की ऐसी प्रैक्टिकल एंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्री देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर बात करें एक फ्रेशर अकाउंटेंट, एक नए अकाउंटेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एंट्री बन जाती है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन था वो वीडियो के थंबनेल पर आपने देख ही लिया। जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैनल के एक व्यूवर्स को पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान। भी क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था भी सप्लायर से 46,439 रुपये का सामान खरीदा गया है और उसको 1% CD काटकर पेमेंट करना है। तो दोस्तों, अब होता क्या है, अभी जब भी कोई फ्रेशर बंदा अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पर इस टाइप के शॉर्टकट बातें उनसे पूछी जाती है, यानी कि 1% CD। तो अब फ्रेशर अकाउंटेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है भी CD किसको बोला जा रहा है। तो CD का फुल फॉर्म हो गया कैश डिस्काउंट, यानी कि इस अमाउंट जब ये हमें इनवॉइस हमें प्राप्त हुआ है इस अमाउंट का और जो हमें पेमेंट करनी है वो इस पेमेंट के ऊपर 1% हमें इनकम है जो रिसीव होगी, एक तरीके का हम उसको कह सकते हैं, हमारे लिए कैश डिस्काउंट होगा। तो 1% पैसा काटकर वो पेमेंट हमें उनको करना होगा और जो 1% की जितनी अमाउंट हमारी बनेगी 464 रुपये उसका डेबिट नोट इशू करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बहुत ही एक सिंपल सा, लेकिन एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही एक बड़ी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इसी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल एंट्री आपको हम करके बताएंगे भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या रियल लाइफ में आपको इस टाइप की प्रैक्टिकल एंट्री करनी पड़ जाए तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल रहने वाला है एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर और विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर की इसी टाइप की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डे बुक को ओपन करेंगे और डे बुक को ओपन करने के बाद आप देख रहे हो हमने एक परचेज वाउचर की एंट्री कर रखी है 20 सितंबर 2021 को और इस इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है वो है 46,439 रुपये, यानी कि ये हमारा परचेज वाउचर जो हमारे पास आया था, परचेज बिल जो आया था उसकी एंट्री हमने कर ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था भी इसकी हमें जो हमारे सप्लायर्स है इसको 1% की पेमेंट काट कर हमें पेमेंट करनी है। तो अगर हम इसके टोटल एंट्री की अगर बात करें तो जैसे कि 46,439 रुपये नेट अमाउंट है इनवॉइस की, तो इसका 1% अमाउंट कितना बनेगा। तो दोस्तों, इसके लिए अगर हम बात करें, कैलकुलेटर अगर हम ओपन करें तो 46,439 × 1%, तो यानी कि 464 रुपये और 39 पैसे, ये पैसा हमें काट कर फिर पेमेंट करना है। तो अगर हम बात करें अगर इसके राउंड फिगर की, तो अगर हमें 464 रुपये अगर राउंड फिगर में ही इसकी अगर पेमेंट हम काट लेते हैं तो डिफरेंस अमाउंट कितनी बचती है। तो जैसे कि 46,439 नेट अमाउंट और इसमें हमने राउंड फिगर में 464 रुपये का अमाउंट है जो काटना है, तो जो उसके बाद में अमाउंट जो बचेगी वो 45,975 रुपये की, यानी कि हमें 45,975 रुपये की पेमेंट करनी है और उसके बाद में इसका जो अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 45,975 रुपये की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम वाउचर पर जाएंगे, हम F5 पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे और उसके बाद में उस सप्लायर्स को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें पेमेंट करनी है। जो पेमेंट की अमाउंट हमारे पास बची थी वो 45,975 रुपये, तो 45,975 रुपये से हम पार्टी को डेबिट करेंगे। जो अगेंस्ट रेफरेंस है, जो हमारे पास इनवॉइस आया हुआ है 20 नंबर का, उसी को हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद में बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो वो चेक का नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद में रिमार्क्स में, अगर रिमार्क्स में अगर इस एंट्री के बारे में अगर कुछ लिखना चाहिए तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं भी पेमेंट आफ्टर 1% CD, यानी कि 1% CD काट कर हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें कोई लॉन्ग नरेशन इस वाउचर एंट्री से संबंधित रखना चाहें तो हम वो भी यहाँ पर इस नरेशन में हम लिख सकते हैं और इसको वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। अब हम इस पार्टी का लेजर का स्टेटमेंट देखते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और लेजर पर जाएंगे, बीएस ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो इसकी जो टोटल अमाउंट 46,439 और इसका 45,975 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। तो अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस की अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 464 रुपये अभी भी क्रेडिट साइड में आ रहा है। अब ये जो क्रेडिट नोट है
ये मतलब क्रेडिट, इसका जो बैलेंस हमारा जो क्रेडिट आ रहा है इसके अगेंस्ट में हमें बीएस ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट नोट इशू करना है, और वो भी टैक्सेबल। तो क्योंकि दोस्तों टैक्सेबल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 400 हमने जो गुड्स परचेज किया था, ये जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है, तो वो सारे के सारे 18% प्रोडक्ट जीएसटी वाले प्रोडक्ट हैं। अगर हमें किसी टैक्सेबल प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अगर हमें डिस्काउंट अगर मिलता है कैश डिस्काउंट, तो उसके अगेंस्ट में हमें जीएसटी चार्ज करना होता है। तो इसका हमें अब डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो डेबिट नोट इशू करने के लिए वापस हम वाउचर पर जाएंगे, और अब हमें डेबिट नोट वाउचर को यहाँ पर लाना होगा। तो डेबिट नोट वाउचर लाने के लिए शॉर्टकट एल्ट और F5 हम यूज़ करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेबिट नोट, और डेबिट नोट में आपको अब यहाँ पर आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे अभी आपके पास आ रहा है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल एच आप यूज़ कर सकते हो, या फिर चेंज मोड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस पर। तो अभी आप देख रहे हो जो स्टॉक आइटम की जो डिटेल अभी आ रही थी यहाँ पर, वो यहाँ से हटके और पर्टिकुलर्स आ गया। तो डेबिट नोट हमारा फर्स्ट है, और उसके बाद में बीएस ट्रेडिंग कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पार्टी को बीएस ट्रेडिंग कंपनी है जो हमारा सप्लायर्स है उसको डेबिट करना है। और अब हमें यहाँ पर एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश डिस्काउंट का, और तो हम एल्ट सी के साथ यहाँ पे शॉर्टकट बना लेंगे कैश डिस्काउंट, और ये हमारा जीएसटी का टैक्सेबल डिस्काउंट है। तो हम इसके आगे ब्रैकेट में हम लिख देंगे जीएसटी, ताकि हमें पता लग रहे भी इस कैश डिस्काउंट पर हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ है। तो अब ये हमारे लिए इनकम बन गई और जीएसटी इस पर चार्ज किया हुआ है, तो हम इसको रखेंगे डायरेक्ट इनकम में। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल को अब आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, और उसके बाद में जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे। और जीएसटी डिटेल में जाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट, या आप शॉर्टकट सीडी भी लिख सकते हो, और इसके बाद एचएसएन कोड को डिस्काउंट का, और उसके बाद में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल टैक्सेबल, और यहाँ पर जो रेट हमारा प्रोडक्ट का था वो हम रेट प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखना है। तो उसके बाद में अब हमें यहाँ पर जो अमाउंट डालनी है वो नेट अमाउंट नहीं डालनी है, जो 464 रुपये का बकाया आ रहा था इस पार्टी का, हमें यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करने पड़ेगी 464 रुपये का जो टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो अमाउंट। तो 464 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, तो 464 नेट अमाउंट है इंटू 100 डिवाइडेशन बाई 118, क्योंकि 18% वाले प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं। तो जो टैक्सेबल अमाउंट बनेगी वो 393 रुपये और 22 पैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 393 रुपये और 22 पैसे। और उसके बाद में हम CGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और SGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, तो ये 464 रुपये। उसके बाद में हमारे पास जो ई इनवॉइस है इसकी डिटेल को हम यहाँ पर नो रखेंगे, क्योंकि ई इनवॉइस हमें कोई इशू नहीं करना। अगर आप प्रोवाइड GST डिटेल को यस करोगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, इसमें आप अदर आप कर सकते हो। और उसके बाद में अगेंस्ट रेफरेंस नंबर में भी वो हम इनवॉइस नंबर है जो सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी डेबिट नोट इशू अगेंस्ट CD 1%, और इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो मतलब जनरेट ई इनवॉइस के लिए पूछ रहे हैं, इसके लिए हम करेंगे इसको नो। तो अब हम इसके कस्टमर जो हमारा सप्लायर्स है उसका अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, तो आप देख रहे हो इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा बिल्कुल जीरो हो चुका है। और इसका जब हम हमारे सप्लायर्स को डेबिट नोट का प्रिंट अगर हम देंगे, तो एल्ट पी हम यूज़ करेंगे, करंट पर जाएंगे और प्रीव्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये डेबिट नोट आ जाएगा। डेबिट नोट नंबर एक आ जाएगा, उसके बाद में डेट आ जाएगी, और उसके बाद में जो कैश डिस्काउंट हमने लेजर क्रिएट किया था वो आ गया, उसके बाद में एचएसएन कोड और इसका जीएसटी का रेट, और उसके बाद में ये बिल नंबर कौन से बिल नंबर अगेंस्ट के अंदर ये इशू किया गया, तो और उसके बाद में सारी समरी इसकी यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये हमें इशू करना होता है। तो दोस्तों इस टाइप के ये जो प्रैक्टिकल एंट्री है, एंट्री बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक ही वाउचर की अगर हम बात करें तो वाउचर हमारे इसी एक ही एंट्री के अगेंस्ट में पेमेंट वाउचर भी बन गया और एक डेबिट नोट वाउचर भी बन गया। अगर हमें ये बोलते थे भी आपको जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करना है और आपको इस लेजर को क्लियर करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमने पेमेंट वाउचर की एंट्री करी थी उसी वक्त हमें वो एंट्री साथ के साथ ही हम कर देंगे। तो उसके बाद जैसे कि हम वापस हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश डिस्काउंट, उसके बाद ये जीएसटी एप्लीकेबल उसके ऊपर नहीं करेंगे, और 464 रुपये की एंट्री हम यहाँ डाल देंगे और वापस इस बैंक को हम क्रेडिट कर देते हैं।
और इस वाउचर को हम यहां से कर देते एक्सेप्ट। तो ये उस कंडीशन में हो जाता भी जब जिस कंडीशन के अंदर अगर हमें, तो क्योंकि क्या डिस्काउंट हमें मिला हुआ है, तो ये डेबिट नोट की एंट्री उस कंडीशन में ये हम नहीं करते। तो ये जो अमाउंट है हमारे पास, ये जो पेमेंट किया यहाँ पर, इस पेमेंट को जो पार्टी का जो नेट अमाउंट है, जो इनवॉइस की जो वैल्यू थी यहाँ पर 46,439 रुपए की, तो वो हम यहाँ पर डाल देते 46,439 रुपए की, और उसके बाद में ये सारी डिटेल हम इसको एक्सेप्ट कर देते। तो अभी आप देख रहे हो, इस अगर इस डेबिट नोट को एंट्री हम डिलीट कर देंगे तो इसका जो बैलेंस है वो इसके साथ में बिल्कुल टैली हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ